भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर बाईपास ब्रिज के निकट एक ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतना भीषण था कि ट्रैक्टर के पर खच्चे उड़ गए और ट्रक ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया, जिसके नीचे दबकर ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। इस घटना का मुख्य कारण बताया जाता है कि सड़क किनारे नगर निगम द्वारा कचरा फेंक कर उसमें आग लगा दी गई थी, जिसके धुआं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी धुएं के चपेट में आकर दोनों वाहन में भीषण टक्कर हो गई। मृतक ट्रैक्टर चालक की पहचान नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना अंतर्गत सुनठिया बाजार निवासी महेश यादव के 48 वर्षीय पुत्र रसिक लाल यादव के रूप में द्वारा जिस तरह से कूड़ों का अंबार लगा दिया जाता है और इसमें प्रायः दिन आग लगा दी जाती है, गाढ़ा धुआं होने के कारण इस तरह काफ़ी तेज रफ्तार में इस रोड से, चूँकि बाईपास है, तेज रफ्तार होती है गाड़ियों में और धुआं के कारण इस तरह की घटना और हादसा हुई है, जिसका पूरा जिम्मेदार हम निगम प्रशासन को मानते हैं। निगम प्रशासन की लापरवाही का ये खुला तस्वीर आपके सामने है। निगम प्रशासन यहाँ पर जो है, प्रदूषण तो होता ही है, गंदा हवा फैलता ही है, लेकिन इसका कचरे का कोई प्रबंधन नहीं किया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिसका सीधा उदाहरण सामने है। ये निगम के प्रशासन को इसका इंतजाम करना चाहिए, जिस तरह से आग लगा दी गई है, जिस तरह से धुआं फैला दी गई है, और ऐसे में इस तरह के हादसे यहाँ इस रोड से सैकड़ों बच्चों का बस के माध्यम से विद्यालय का आना जाना होता है। अगर उन बस में कोई हादसा हुआ रहता तो भागलपुर की अभी बहुत भयावह स्थिति बनी रहती। ऐसे हालात में निगम प्रशासन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निगम प्रशासन को इसका जवाब भरना चाहिए कि निगम प्रशासन ने जिस तरह से लापरवाही का उदाहरण दिया है, इसको कतई हम समाजसेवी, हम ग्रामीण, हम भागलपुर के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल है, भागलपुर चंपा नगर के नाथनगर थाना समाजसेवी शांति समिति के सदस्य हैं। बिहार सरकार के द्वारा लाए गए नए पुलिस कानून के खिलाफ विधानसभा में महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में महागठबंधन के द्वारा शुक्रवार 26 अप्रैल को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने नए कानून के खिलाफ होने वाले बिहार बंद को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से अब जनता उब चुकी है और आने वाले चुनाव में दोनों सरकारें बदल जाएंगी। साथ में हम लोगों ने महागठबंधन ने तय किया है कि हम लोग किसान भाइयों का तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन साथ में जो घटना घटी है, जो पूरे बिहार का जनता को अपमान करने की कोशिश किया गया है, विधानसभा में विधायकों को, चाहे वो महिला विधायिका हो या पुरुष हो, जिस तरह से खींच खींच के बाहर किया गया सिर्फ कानून को पास करने, वो जो पुलिसिया कानून नहीं बनाया गया उसके लिए, मतलब हम लोग विपक्ष में हैं, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, हम लोग जनता की आवाज बनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। क्या पुलिस को पूरा सदन में छावनी बना दिया गया है, आप देखे होंगे वीडियो में, पूरा पुलिस खींच खींच के, महिला अनीता जी पूर्व मंत्री रही हैं, उनका साड़ी पर खींचा गया, साड़ी हटने लगा, किस तरह से ले गया। और संतोष मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पुलिस जूता से मार रही है। क्या ये माननीय विधायक जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है, तो क्या उनको आप पीट रहे हैं? इसका मतलब क्या बिहार की जनता को नहीं पीट रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से करता हूं कि साहब जो भी पुलिस पदाधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उसको बर्खास्त करें, साथ ही साथ किसान भाइयों का जो तीनों काला कानून है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लेने की मांग की। चूंकि जो कानून तीनों काला कानून किसान के खिलाफ में लाया गया, सबसे पहले आवाज आदरणीय राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उठाया। पूरे किसान वहाँ धरना पर बैठे हैं 4 महीने से ऊपर से, और ये तीनों कानून है क्या? ये कानून ये है कि उनके जमीन को अडानी और अंबानी बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेचने की साजिश है और उनको मजदूर बनाने की साजिश है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे किसान में, यह जो आज धरना कार्यक्रम है,
पहले भी हम लोगों ने सत्याग्रह पद यात्रा किया है कांग्रेस ने पूरे बिहार में, पूरे देश में, और यहाँ पे धरना के माध्यम से हम यह किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यह कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है। उनका तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही किसान भाइयों के साथ है और काला कानून को वापस करा के देगा। दूसरी बात का धरना हम इसलिए दे रहे हैं, परसों जो जिस विधायक को, जिस प्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है, वह लोकतंत्र का मंदिर है बिहार विधानसभा। वहाँ पे विपक्ष का काम है कि रोजगार नहीं मिल रहा युवकों को, उसकी बात उठाना, जो काला कानून आप ला रहे हैं उसका विरोध करना। अभी आप देखे हैं जो कानून बनाया गया है, किसी भी व्यक्ति शांतिपूर्ण होली और सभी बरात संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के औद्योगिक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी राज रतन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शांतिपूर्ण होली और सभी बरात मनाए जाने की अपील की। ये आज औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र में 0 माइल थाना में आज शांति समिति की बैठक हुई और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, नए थाना प्रभारी जो है, आज इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि कहीं भी होली में हुड़दंग ना हो और उसी दिन सभी बरात है, उस दिन भी यानी कि पुलिस की गश्ती रहेगी और सभी पंचायतों में हमारे पुलिस जवान जाएंगे और सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखेंगे। और हम अपील करते हैं कि हमारे पंचायतवासी, प्रखंडवासी भी प्रशासन का सहयोग करें जिससे कि शांति बनी रहे। मेरा परिचय, मैं मनोज कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत बरारी सबौर भागलपुर। भागलपुर के सबौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवगछिया के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुँचाए जाने का दिशा निर्देश दिया। मोर्चा के पूरे प्रदेश में कार्यशाला चल रहे हैं। आज ये कितना है, चौथा, चार जिला का है और ये चौथवा है, छठा। टोटल कितने हैं? 12 कार्यशाला पूरे प्रदेश में करने वाले हैं और हर जितने भी कार्यशाला होते हैं सब एक क्लस्टर, जिलों का क्लस्टर बना के ये लोग करते हैं। आज 4 जिलों का भागलपुर में हो रहा है और बहुत अच्छे से कार्यशाला इनके मन में हो रहे हैं, उनको सुचारू ढंग से, नियोजित ढंग से और सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्गेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक इससे अलग विषय आप लोगों की आज्ञा हो तो उस पर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। परसों जो विधानसभा में जो घटना हुई, जो अशोभनीय और लोकतंत्र को जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पत्रकारों को पीटा उन्होंने, और जब इन सब चीज़ों से मन नहीं भरा तो विधान